लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अनुमंडल स्तरीय दो दिवसीय कृषि यंत्रीकरण संपादन मेले का आयोजन कटिहार संयुक्त कृषि भवन परिसर में किया गया। मेले का उद्घाटन जिला पदाधिकारी कमल तनुज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में बड़ी संख्या में किसान जिले के अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे थे। वहीं मेले में कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए थे जहां कृषि से संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध थे। साथ ही मेले में ऐसे भी स्टॉल थे जिनमें जैविक खाद के फायदे बताए गए थे। इस मेले में जिले के ऐसे कई किसान थे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन देकर कृषि से जुड़े उपकरण को खरीदा, जिस पर उन्हें सब्सिडी भी मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। कटिहार जिले में कृषि यंत्रीकरण का मेला आयोजन, दो दिवसीय कृषि यंत्रीकरण का मेला आयोजन किया गया है। इस मेले में इस जिले को 4,49,00,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्त हुई, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए हम लोग किसानों के खाते में अनुदान के रूप में दे चुके हैं। शेष बहुत सारे किसान जो मेला और मेला के बाहर जो विभाग से निबंधित दुकानें हैं उनसे लोगों ने अपना यंत्र क्रय किया है और अभी सरकार के द्वारा 83 तरह के यंत्रों पर अनुदान दे है और मेला हम लोग किराए हैं। बहुत सारे किसान इससे लाभ ले रहे हैं और तकनीकी यांत्रिक यंत्र के माध्यम से खेती कर रहे हैं, जिसमें है कि उन्हें मजदूरों का बचत होता है, मजदूर अभी मिल नहीं रहे हैं और यंत्र से खेती करने में उन्हें कम लागत भी लग रहा है और एक पैदावार भी हो रहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।